कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड वीडियो में। जून अपडेट स्नीक पीक नंबर 3 आ चुका है, जो कि है अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का फाइनल स्नीक पीक, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपडेट के लिए है। मिड मंथ अपडेट में क्या आने वाला है हमें नहीं पता, बट फर्स्ट पार्ट के लिए ये आखिरी स्नीक पीक है। यहाँ पे चलिए नजर डालते हैं सीएम फैमिली हमें क्या बोल रहे हैं। अ न्यू सुपर विलन विद डॉट्स ऑल ओवर हिज बॉडी हैज जॉइंड मार्वल फिच फाइट द साइंटिस्ट विद ब्लैक डॉट्स। और यहाँ पे हम थंबनेल देखकर गेस कर सकते हैं कौन सा है ये कैरेक्टर। ये है स्पॉट, नन अदर देन स्पॉट, जो कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में विलन था, काइंड ऑफ एक विलन था। तो ये आने वाला है मार्वल फिच फाइट में एज अ प्लेएबल कैरेक्टर, बट आई डोंट थिंक ये कोई बॉस या फिर एक एनिमी या विलन की तरह आएगा जिसके अगेंस्ट हम खेल सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ कैरेक्टर जिसके साथ, जिसके तरह हम खेल सकते हैं। सो वी विल हैव टू सी कि कैसा होता है डायनामिक। अगर ये एक बॉस आएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लाइक काफ़ी सारे कूल चीज़ें ये कर सकता है, लाइक जंपिंग थ्रू डायमेंशंस, पोर्टल्स, टेलीपोर्टेशन वगैरह। तो दैट वुड बी फन टू सी या फिर फन टू प्ले अगेंस्ट। बट देखेंगे हम कि इसके साथ खेलने में भी कैसा होता है। खेलने में भी ऑब्वियसली सेम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहने वाला है, सो विल सी क्या होने वाला है। बट इसके एक्विजिशन मेथड देखने की बात रहेगी। सो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है चेक आउट द पावर्स ऑफ दिस सुपर विलन हु यूजेस पोर्टल्स एंड द पावर ऑफ अदर डायमेंशंस। वी विल अनाउंस मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू द अपडेट डिटेल्स लेटर। जब भी ये स्टेटमेंट रहता है स्निक पीक एंड में, वी विल अनाउंस मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू द अपडेट डिटेल्स लेटर, इसका मतलब होता है ये आखिरी स्निक पीक है फॉर दिस पार्ट ऑफ द अपडेट। तो चलिए चलते हैं अब स्निक पीक को प्ले कर लेते हैं, स्निक पीक देख लेते हैं कैसा है। तो हियर वी गो। कैरेक्टर तो बहुत ही तगड़ा बवाल दिख रहा है। ओके, तो कैरेक्टर तो एक नंबर दिख रहा है यार, कुछ भी बोलो। आई लाइक हिज लुक, लाइक पूरा का पूरा। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो इसका स्पॉट छोटा बड़ा हो रहा है, विच इज काइंड ऑफ क्रिंजी, बट फॉर द मोस्ट पार्ट कैरेक्टर इज लुकिंग सुपर डोप, लाइक नो डाउट अबाउट इट। लुक एट द आर्ट वर्क यार, मतलब पूरा पूरा अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में जैसा था बिल्कुल ही वो एलिमेंट रखा गया है। स्निक पीक डेव्स बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन में। कैनॉट से अबाउट द सेम थिंग फॉर द कैरेक्टर स्किल्स एंड वगैरह वगैरह, बट एनिमेशन वगैरह तो एक नंबर रहता है टॉप नॉच गेम का, तो काफ़ी ज़बरदस्त है, मज़ा आता है देख के। तो ये है हमारा स्निक पीक थर्ड पार्ट का। तो स्पॉट आ रहा है, तो अब इसके एक्विजिशन मेथड की अगर हम बात करेंगे तो आई एम गेसिंग इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्री टू प्ले कैरेक्टर। नाउ बहुत लोग बोल रहे हैं ये प्रीमियम कैरेक्टर होने वाला है, अनदर पेवॉल कैरेक्टर आने वाला है, बट मुझे लग रहा है फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज गोइंग टू बी अ फ्री टू प्ले कैरेक्टर। द रीजन बीइंग कि स्पाइडर वूमेन को एक यूनिफॉर्म मिल रहा है विच इज ऑलरेडी अ प्रीमियम कैरेक्टर, और अगर ये लोग कर देंगे ऐसा कि इसको भी स्पॉट को भी एक पे टू विन कैरेक्टर बना देंगे या फिर पेवॉल कैरेक्टर बना देंगे, देन देर विल बी टू कैरेक्टर्स इन दिस अपडेट जो कि पे टू विन होने वाला है या पेवॉल होने वाला है, जो कि काफ़ी गलत रहेगा यार इन अ सेंस। तो मे बी फॉर दैट रीजन दे विल मेक हिम फ्री टू प्ले या फ्रॉम बायोमेट्रिक्स सिलेक्टर। और एक और रूट ये लोग जा सकते हैं कि ये हमें 5 बायोस फ्यूचर पास के थ्रू दे दे सबको, सो दैट वी कैन अनलॉक हिम एट 1 स्टार एंड मेगा रैंक अप टिकट, मेगा टी2 टिकट यूज करके वी कैन गेट हिम टू टीयर 2। बट यहाँ पर एक और चीज़ होने वाली है कि इसे अवेकन या टी3 अभी नहीं मिल रहा है विद दिस अपडेट, सो ये खाली कैरेक्टर आ रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग कि ये यूजेबिलिटी इसका काफ़ी कम हो जाएगा, राइट, बिकॉज टी3 या अवेकनिंग नहीं है कैरेक्टर के पास। तो मुझे लगता है आजकल तो इन्हें टी3 और अवेकनिंग न्यू कैरेक्टर को आते के साथ ही दे देना चाहिए फॉर द मोस्ट पार्ट। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक नया कैरेक्टर आए तो ही विल कम विथ हिज टी3 या अवेकनिंग, तो ये एक अच्छा चीज़ रहेगा अगर ये ऐसा करते हैं। तो दिस इज जस्ट अ सजेशन, बट ये है हमारा स्निक पीक। इसके अलावा लाइव स्ट्रीम नोटिस भी आ चुका है, तो चले चलते उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम नोटिस में हमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे जून अपडेट सेलिब्रेशन लाइव स्ट्रीम होने वाली है, यहाँ पे हमें सीएम फैमिली बोल रहे हैं वी वुड लाइक टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद आवर एजेंट्स अहेड ऑफ द जून अपडेट। बी श्योर टू जॉइन द लाइव स्ट्रीम थ्रू यूट्यूब एंड फेसबुक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द लेटेस्ट न्यूज ऑफ मार्वल फिच फाइट। यू कैन ऑल्सो अर्न रिवॉर्ड्स बाय रजिस्टरिंग द कूपन। और लाइव स्ट्रीम शेड्यूल है 13th June 1 AM। तो बेसिकली अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो 14 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आने वाला है, सो विल सी अबाउट दिस। काफी जबरदस्त होने वाला, मजा आएगा, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना जरूर से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इस फोटो को नोट, अच्छा जून 13th को ही होने वाला, ओके। तो यहाँ पे जून 12th 6 PM है, तो ये जून 13th का मॉर्निंग 6:30 हो जाता है, तो ये हमारा लाइव स्ट्रीम नोटिस होने वाला है। सो डेफिनेटली ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम। एक कूपन कोड भी हमें मिलेगा जिसमें प्रॉबेबली एक 6-star या 5-star रैंक अप टिकट रहता है, बट या यहाँ पे अगर हम इमेज देखेंगे तो हमें यहाँ पे माइल्स मोरेल्स दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है,
एंड स्पाइडर वुमन देख रही है, यानी कि जेसिका ड्रू। तो काफ़ी ज़बरदस्त लगा यार मुझे तो, मज़ा आने वाला है। तीनों चारों कैरेक्टर जो आने वाले हैं स्पाइडरमैन 2099, माइल्स मोरेल्स, स्पॉट एंड जेसिका ड्रू, तो चार यूनिफॉर्म और नया कैरेक्टर एक है और तीन नए यूनिफॉर्म्स हैं। सो इट इज गोइंग टू बी फन एंड एक्साइटिंग। आपका क्या थॉट्स एंड ओपिनियन रिगार्डिंग दिस अपडेट, लेट मी नो इन सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय।